السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قابل ست کریم سامعین گرامی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل گمراہیوں کے اندر بھٹکتی ہوئی انسانیت اسفل السافلین کے نچلے درجے میں پہنچ چکی تھی. حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ناآشنائی کا عالم یہ تھا کہ شرک، ظلم و ستم لازمی طور پہ ان کی زندگی کا عنصر اور جز بن چکا تھا. گویا کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے پر فائز کیا تھا، اپنے ہاتھ سے انسان کو تخلیق کیا اور مسجود ملائکہ بنایا، وہی انسان اپنے حقیقی مقصد حیات کو اور اپنے اصلی مقام کو بھول کر ذلت کے گڑھے کے اندر گر چکا تھا. انسانیت کی صحیح تکریم، انسانیت کا صحیح معنوں میں احترام،
और एहतराम आदमियत का जो असल और सही तसव्वुर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को वो यूं दिया कि इंसान को तहत सुरा से उठाकर औजे सुरैया की बुलंदियों पर फाइज कर दिया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम इंसानों पे बहुत बड़ा ये अजीम एहसान है कि उन्होंने मुआशरे में आके इंसान को खोया हुआ उसका मुकाम और मर्तबा, उससे उसका तारुफ करवाया, मुआशरे के अंदर इंसान की जो अहमियत थी, उसकी जो वक्त थी, वो लोगों को बतलाई। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा एहसान अजीम है कि जिसको ता कयामत इंसानियत जो है वो भुला नहीं सकती, फरामोश नहीं कर सकती। दुनिया के अंदर जिंदगी गुजरते हुए इंसान के बहुत सारे मोहसिनीन होते हैं। दुनिया के रिश्तों में से सबसे ज्यादा बेलौस मोहसिन इंसान के वालिदैन, जो सर्दी गर्मी की तमाम जरूरियातें जिंदगी इंसान के लिए मुहैया करते हैं, तालीम और खुराक और लिबास का बेहतरीन एहतमाम करते हैं, लेकिन वालिदैन से भी अगला रुतबा, बल्कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा एहतराम तकद्दस जिस हस्ती का है वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिन्होंने एक ज़ाबता अखलाक उसको आपने मुतय्यन फरमाया और पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने के तरीके सलीके और उसूल वजा फरमा दिए। तो आज हम यही जानना चाहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी उम्मत के ऊपर क्या क्या एहसानात हैं, ताकि हमें सही मानों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का इल्म हो और हमारे अंदर फिर आपके एहसानात को मद्देनजर रखते हुए आपकी इताअत और फरमाबरदारी करने का मजीद शौक पैदा हो। क्योंकि सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने उसूल ये बयान किया है, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला खानदानी आदमी नेकी के साथ ही दिया करता है। तो हमारा भी ये हक बनता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का हमारे सामने तज़करा किया जाए, हमारा तारुफ हासिल हो, तो उसके बाद हमारे अंदर मजीद शौक पैदा होना चाहिए कि हम आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक अमल पैरा हो सके। रब ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी इंतहाई ज्यादा मुजस्समे रहमत बनाकर नाजिल की गई, आपको मुजस्समे रहमत बनाकर दुनिया के अंदर मबऊस किया गया। कुरान मजीद में रब ताला फरमाते हैं, फबिमा रहमतिम मिन अल्लाह लिंत लहुम, ये अल्लाह की खास अता है, अल्लाह की रहमत का जरिया और सबब है कि आप अपने मुआशरे के लोगों के लिए इंतहाई ज्यादा नरम दिल हैं, आप इंतहाई ज्यादा शफीक हैं। वलौ कुंत फज्जन गलीज अलकल्ब लन फज्जु मिन हौलिक, प्यारे नबी अगर आप अच्छे अखलाक के मालिक ना होते, अगर आप सख्त अखलाक के या सख्त मिजाज के मालिक होते, तो ये जो सिहाबा आपके आसपास हैं ये कभी भी आपके पास इतनी बड़ी तादाद में जमा ना होते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही का नजूल हुआ और आप घबराहट के आलम में मारे हुए घर तशरीफ लाए, सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला से आपने घबराहट के आलम में फरमाया कि जम्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर उड़ा दी जाए, मुझे चादर दी जाए।
सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके लिए बिस्तर का एहतमाम किया। आपका सारा वाकया सुनने के बाद इन अल्फाज के साथ आपको दिलासा दिया, कल्ला फवल्लाही ला युखजीक अल्लाह अबदा। प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। फवल्लाही इन्नका लतसिलुर रहीम, क्योंकि आपके अंदर ये औसाफ हमीदा पाए जाते हैं कि आप रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, सिला रहमी करने वाले हैं। वतस्तुकुल हदीस, आप अच्छी और सच्ची बात के मालिक हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप जब दावत लोगों के सामने पेश करेंगे तो लोग हाथों हाथ इसे कबूल करेंगे, आपको सादिकुल अमीन तसव्वुर किया जाता है। वह तहमिलुल कल्ला, आपकी एक सिफत यह भी है कि आप कमजोर लोगों के बोझ उठाने वाले हैं। वह तकसीबुल मादूम, और जिन बिचारों का कोई वाली वारस नहीं है, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, आप उनको नवाजने वाले हैं। वह तकरीर दईफ, आपको तो अल्लाह ताला ने बड़ा मेहमान नवाज बनाया है। वह तुईन वाला नवाइबिल हक, और आप हक के मामले में लोगों के साथ मुआवनत करने वाले हैं। तो ये औसाफ जिस आदमी के अंदर पाए जाएं, वो रब ताला की निगाह में बड़ा बुलंद अखलाक का मालिक होता है। रब ताला आपको कभी भी जाया और रुसवा नहीं फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दूसरा एहसान अपनी उम्मत पे था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के हकूक का तहफ्फुज और ऐसे जाबता अखलाक मुतय्यन फरमा दिए कि जिससे इंसानों के बाहमी हकूक जो है वो महफूज हो सके। आज बड़े बड़ी एनजीओज और बड़े बड़े इदारे नाम निहाद दावेदार जो है वो लोगों के हकूक के अलम बरदार बनते हैं, और जिन हकूक की पासदारी का राग अलापते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुनियादी उसूल आज से 1500 साल पहले ही मुतारफ करवा दिए हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, सही मुस्लिम में 2544 नंबर रिवायत है, आपने फरमाया कि कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्जु, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे माल हड़प करना ये हराम है, उसकी इज्जत को तार तार करना ये हराम है, उसका नाजायज खून बहाना हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे कयामत तक के लिए हराम कर दिया गया है। और दूसरे नंबर पे आपने अबू बकरा रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं, सही बुखारी की 67 नंबर रिवायत है, हज्जतुल विदा के मौका पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फइन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अअरादकुम बैनकुम हरामुन कहुर्मति यौमिकुम हाजा। मेरे सहाबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे खून, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी इज्जतें आपस में एक दूसरे पर ऐसे ही हराम कर दी जैसे ये हज्जतुल विदा का दिन हुर्मत वाला दिन है, ये महीना हुर्मत वाला है, और जैसे ये शहर इसको हुर्मत वाला करार दिया गया है, इसकी हुर्मत को पामाल करना इंसान के लिए हराम है। ऐसे ही किसी मुसलमान के माल पे कब्जा करना, उसकी इज्जत पे हाथ डालना, उसके खून बहाना, ये भी हर मुसलमान के लिए कयामत की दीवारों तक हराम करार दिया गया है। और तीसरा एहसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जाते गिरामी को रब ताला ने तमाम इंसानियत का मुअल्लिम बना के भेजा, उस्ताद बना के भेजा, उस मुअल्लिम ने जहां अपनी उम्मत को इलम सिखलाया, वहां आपने अपनी उम्मत के लिए इलम को हासिल करना लाजिम और फर्ज करार दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों के अंदर ये बात शामिल थी, यतलू अलैहिम आयाति वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, कि आप रब की नाजिल करदा किताब कुरान मजीद अपनी उम्मत के सामने तिलावत करें, उनका तज़किया नफ्स करें, और उनको किताब की तालीम दें, उनको इल्म सिखलाएं,
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल मरतब फरमा दिया। जनाब अनस रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, सुन इब्ने माजा में 224 नंबर रिवायत है, आपने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना, इल्म की तलब जो है हर मुसलमान पे फर्ज करार दी गई है। और हम ये कहते हैं कि दुनियावी इल्म भी हासिल करें, लेकिन सच्ची बात यह है कि दुनिया का जो इल्म है वो हकीकत में इल्म नहीं है, वो एक फन है जो हम जिंदगी गुजारने के लिए सीखते हैं। असल इल्म जो है वो कुरान का नाम है, असल इल्म अहदीस का नाम है। खुदारा हमें इस बारे में भी संजीदा होना चाहिए, हम जिंदगी की जिस भी स्टेज पे हैं, कम अज कम बुनियादी तौर पे नमाज रोजे के अहकाम मसाइल जो हैं, जिंदगी गुजारने के जो शरी रहनमा उसूल हैं, वो हम में से हर शख्स को मालूम होने चाहिए। दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए अपने बच्चों के बारे में बड़े बड़े पापड़ बेलते हैं, क्या कभी हमने ऐसा भी सोचा है कि कल कला जब हम आंखें बंद कर जाएंगे, हम अपने पीछे कुछ ऐसा सरमाया छोड़ जाएं जो हमारे मरने के बाद रब ताला से हाथ उठा के हमारी बख्शिश की दुआ कर सके। लाखों रुपया हम दुनियावी तालीम पे खर्च कर देते हैं, लेकिन दीन की तालीम के मामले में हम खुद भी कोरे रहते हैं और बच्चों को भी हमेशा दीन से महरूम करके जाते हैं। चौथा एहसान अजीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलाह आमा का एहसास पैदा फरमाया, पूरी इंसानियत के लिए आपने एक एहसास मुआशरे के अंदर पैदा फरमा दिया। जनाब अनस रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, सही मुस्लिम की 45 नंबर रिवायत है, आपने फरमाया कि वल्लजी नफ्सी बियदी, मुझे कसम है उस जात की जिस जात के हाथ में मेरी मोहम्मद की जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स तब तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता, हत्ता युहिब ली अखीही मा युहिब ली नफ्सी, जब तक उसकी सोच का जाविया ये बन जाए, उसकी अकल शऊर का मेयार ये बात ठहर जाए कि जो चीज वो अपनी जात के लिए पसंद करता है, कोशिश करे कि वही चीज अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करे। मैं अपनी जात के लिए धोखा दही पसंद नहीं करता, मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने मुसलमान भाई को भी धोखा ना दूं। मैं ये पसंद करता हूं कि मेरी इज्जत की जाए, मेरा एहतराम किया जाए, मुझे गालम गलोच ना किया जाए। ये सारे जज्बात हमें मद्दे मुकाबिल मुसलमान के बारे में भी रखने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे माल महफूज हो जाए, हमारी इज्जत पे हमला ना हो, लेकिन खुदारा हमें यही जज्बात दूसरे मुसलमानों के बारे में भी दिल में पैदा करने चाहिए। और यही एहसास और यही एहसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को सिखला दिया। अहबाबे गिरामी, मुआशी एतबार से, माली एतबार से तमाम के तमाम इंसान बराबर नहीं होते। किसी को अल्लाह ताला ने माल बहुत ज्यादा दिया है, किसी को उससे कम दिया है, और कई बेचारे जो है वो फुकारा किस्म के लोग हैं, यतामा हैं, मसाकीन हैं, बेवकान हैं, जिनकी जरूरियात जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी नहीं सरफ हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुस्तहकम मुआशी निजाम वजा फरमा दिया, और जिसके दो फायदे हैं, जिसमें तमाम मसाइल का हल बयान किया गया है, और तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, तमाम इंसानों के लिए मुआशी सहूलत की राह जो है वो हमवार हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का कानून नाफिज फरमा दिया, आपने सदकात का कानून मुतय्यन फरमा दिया, आपने विरासत का कानून जो है वो मुआशरे के अंदर मुतारिफ करवाया, ताकि जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है वो अल्लाह के दिए हुए माल में से उन लोगों पर खर्च करें जो माल से महरूम है, जो गरीब लोग हैं, यतामा हैं, फुकारा हैं, ताकि माल जो है वो सिर्फ वडेरे लोगों के हाथों में ना घूमता फिरता रहे, उस माल से तमाम इंसानियत जो है वो मुस्तफीद हो जाए। सूरह हशर में रब ताला फरमाते हैं, कैला यकून दूलतम बैन अल अगनिया मिनकुम, ये निजाम हमने इसलिए वजह किया है,
ये सिस्टम हमने इसलिए मुतारिफ करवाया है ताकि माल सिर्फ गनी लोगों के अंदर जो है वो घूमता फिरता ना रहे, गुराबा के हाथों में भी माल जाए और वो भी उससे अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। जनाबे मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला को जब यमन का गवर्नर बना के आपने भेजा तो जो आपने जाते हुए उनको वसीयतें फरमाई उनके अंदर ये भी था कि तुखद मिन अग्नियाहिम व तुरद अला फुकराहिम। ए मुआज, आपको यमन के इलाके का गवर्नर बना के भेजा जा रहा है, वहां जाके आपने लोगों की जरूरियात का ख्याल करना है, आपने वहां के गनी लोगों से माल इकट्ठा करना है, गनी लोगों से माल लेकर उसी इलाके के जो फुकरा हैं, गरीब लोग हैं, उन पर खर्च करना है ताकि वो भी दूसरे के हाथों की तरफ ना देखते रहे। पांचवा एहसान अजीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर यह फरमाया कि इंसानी मुसावात वो कायम फरमा दी। इंसान होने के नाते से सभी बराबर हैं, किसी को किसी दूसरे पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, किसी को कोई फौकियत हासिल नहीं। फतह मक्का के अजीमुशान मौका पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फाते की हैसियत से जब मक्का में दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला قد اذهب عنكم ابيه الجاهليه وفخرها بالاباء। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम की बदौलत जाहिलियत का गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया है। आज के दिन रब ताला ने इस्लाम की बदौलत तुम्हारा वो फख्र और गुरूर जो अपने आबाओ अजदाद के हसब और नसब पर तुम किया करते थे कि मैं कुरैशी हूँ, मेरा ये बड़ा खानदान है, तुम मेरे सामने क्या वक्त रखते हो, वो बाप दादा की तरफ निस्बत करके अपने आप पे जो लोग इतराते थे, फख्र करते थे, आज के दिन रब ताला ने उसे भी हराम कर दिया है, खत्म कर दिया है, वो सारे का सारा गुरूर जो है वो जमीन बोस हो गया है। आपने फरमाया कि आज के दिन सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, मुमिनुन तकीयुन व फाजिरुन शकीयुन, या तो कोई परहेजगार मोमिन मुत्तकी आदमी है या उसके मध्य मुकाबिल जो है वो बदबख्त काफिर है या बेनमाजी आदमी है, गुनागार आदमी है। आपने फरमाया कि अंतुम बनू आदम व आदम मिन तुराबिन, तुम तमाम के तमाम एक आदम अली सलातो सलाम की औलाद हो और आदम अली सलातो सलाम को रब ताला ने मट्टी से पैदा फरमाया था। इसलिए इंसान होने के नाते से किसी को दूसरे इंसान पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है। और छठा एहसान अजीम ये था कि जरायम की रोकथाम के लिए वो मुआशरा जो गुनाहों की दलदल बन चुका था, जिन लोगों का मशगला लूट खसूट बन चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के जरायम को रोकने के लिए वहां पर भी आपने अदल और इंसाफ का मीजान कायम फरमा दिया। बनु मखजूम कबीले की एक औरत जिसने चोरी का इर्तकाब किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला पेश किया गया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीयत का हुक्म यह है कि चोर का हाथ काट दिया जाए। आज हम भी परेशानी आने पे जो है वो बड़े ताल्लुकात तलाश करते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं कि कहीं हम इस कानून और जाब्ते से निकल जाएं, हम इससे बच सकें। उस वक्त के चंद लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे बड़े ही लाडले सहाबी उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला को तैयार किया कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे मामले में सिफारिश कीजिए कि अल्लाह के रसूल बड़ा खानदान है, अमीर खानदान की औरत है, अगर इस पर हाथ लागू हो गई खानदान की नाक कट जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसामा रजी अल्लाह तआला की सिफारिश को सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। आपने फरमाया कि इन्नमा अहलकल्लज़ीन क़ब्लकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरक फीहिम अश-शरीफ, तुम में से साबका कौमें
सबका उम्मतें इसी वजह से तबाह कर दी गई, इसी वजह से उनको हलाक कर दिया गया कि उनके अंदर जब किसी वडेरे से, जब किसी अमीर जादे से कोई गुनाह सरजद हो जाता उसको छोड़ दिया करते थे, और जब कोई गरीब को माड़ा बंदा काबू आ जाता तो उस पर वो हद और कवानीन लागू कर दिया करते थे। और उस वक्त फिर आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम व अईमुल्लाह लो अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लकतअतु यदहा, अल्लाह की कसम अगर मेरी मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो रब ताला की कसम उठा के कहता हूं कि मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट देता। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरायम की रोकथाम के लिए बेहतरीन कवानीन नाफिज फरमा दिए। और सातवां एहसान खादिमाओं के बारे में, जो खादिम है चाहे मर्द है या औरत है, उनके साथ भी मुसावियाना बर्ताव करने की आपने तलकीन की है। जनाब अनस रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, सही बुखारी में 2768 नंबर रिवायत है, 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे हैं और कहते हैं कि फखदमतुहु फिस सफरी वल हजरी, सफर में हजर में हम वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाला था। मा قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا, आपने कभी मुझे नहीं कहा अगर मैंने कोई काम कर दिया जो नहीं करने वाला था, आपने मुझे कभी डांटा नहीं कि ये काम तुमने क्यों किया, और अगर कोई काम करने वाला था लेकिन बच्चा होने की वजह से नहीं कर सका, आपने मुझे तब भी डांटा नहीं कि ये काम क्यों नहीं किया। तो ये अपने मातहत लोगों के साथ अखलाक प्यार और मोहब्बत से पेश आना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। रब ताला से दुआ है कि खालिक और मालिक जो सुना और सुनाया है उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सातवां एहसान अजीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करने का वो भी हुक्म दिया है। सहाबी रसूल अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने किसी एक गुलाम को उसकी वालिदा के बारे में आर दिलाई और उनको कम तर ख्याल किया। उस गुलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत फरमा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इन्नका मरुउन फीका जाहिलिया, ए अबू ज़र, तुम एक ऐसे आदमी हो कि इस्लाम ले आने के बाद भी अभी तक ये जहालत वाले काम और आदात तुम्हारे अंदर अभी भी पाई जाती हैं। आपने फौरन डांट पे ला दी। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने माजरत की और साथ ही सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वडेरी उम्र हो चुकी है, क्या इस उम्र में भी जहालत का मामला पाया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम, हाँ क्यों नहीं हो सकता। फिर आपने गुलामों के मुतालिक फरमाया कि हम इख्वानुकुम, ये बज़ाहिर गुलाम हैं लेकिन इंसान और मुसलमान होने के नाते से तुम्हारे भाई हैं। जअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम, रब ताला ने इन गुलामों को तुम्हारे मातहत कर दिया है। फमन जअलल्लाहु अखाहु तहत यदिही, और जिस आदमी के मातहत अल्लाह ताला किसी इंसान को कर दे, फलयुतइमहु मिम्मा याकुल, उसको चाहिए कि जो खुद खाए उस गुलाम को भी खिलाए। वलयुलबिसहु मिम्मा यलबस, जो लिबास खुद पहने वैसा ही लिबास अपने गुलाम को भी मुयस्सर करे। वला युकल्लिफुहु मिनल अमली मा यगलिबु, काम करवाते हुए उससे ऐसा काम ना ले जो बेचारे की इतनी सकत ही नहीं है, उसकी हिम्मत और ताकत से ज्यादा उस पर बोझ ना डाले।
और अगर उसके अलावा वो काम किसी से नहीं करवा सकते और वो काम उसी से ही करवाना चाहते हैं, तो फरमाया कि फिर हक ये बनता है कि फलयुइनहु अलैहि, फिर अपने उस काम वाले खादिम के साथ तआवुन और मुआवनत जरूर करो, उस अकेले को बेचारे को बोझ तले दबा ना दो। तो हबाबे ग्रामी, ये चंद एहसानात जो हम बयान कर सकें। वैसे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा जो है वो उम्मत के लिए रहनुमा और बेहतरीन उसवा के तौर पे बरी पड़ी है। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए, 15 नवंबर बरोज इतवार, ये परसों इशा की नमाज के बाद हमारी इसी मस्जिद में फजीलत शेख मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अली हाशमी हाफिज़ाहुल्लाह लाहौर से तशरीफ़ ला रहे हैं और हुरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया है। किसी किस्म का कोई मसल की तासुबात नहीं है। तमाम अहबाब से गुजारिश ये है कि खुद भी दोस्त अहबाब को भी ज़रूर दावत दें और बर वक़्त 7:15 बजे इशा की जमात के साथ नमाज अदा करें। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, उम्मीद है इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर जो है वो प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन।